हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी एग नूडल्स या फिर कह सकते हैं एक चाउमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। फिर पानी उबलने के बाद इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा ऑयल और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें एग नूडल्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पर स्मार्ट चॉइस का लिया, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नूडल्स को। अब ढक के 5 से 7 मिनट हम इसको पका लेंगे। अब 5 से 7 मिनट बाद हमारा नूडल्स पक गया है। अब इसको छन्नी से छान लेंगे। अब नूडल्स को हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे तो क्या होगा, ये एक के साथ एक नहीं चिपकेगा। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब सारे वेजेस को हम फ्राई कर लेंगे। पहले हम पैन में ऑयल डाल देंगे, फिर हम एग्स को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 एग्स लिया है। अब इसमें हम नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल के अच्छे से फ्राई करके साइड में रख देंगे। ऐसे करके हम सारे वेजेस को फ्राई कर लेंगे। अब हम ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम गार्लिक ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा ग्रीन चिलीज। अब इसको मिक्स करें। अब इसमें हम अनियंस को डाल देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम गाजर को ऐड कर देंगे और साथ में शिमला मिर्च भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे एक जैसे ही कट किया है वेजिस को, ताकि ये अच्छे दिखे। अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें नूडल्स को डाल देंगे। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें रेड टोमेटो सॉस डाल देंगे और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस। अब थोड़ा सा सोया सॉस। याद रखना इसमें थोड़ा सा नमक होता है, तो नमक ध्यान में रख कर डालिएगा। अब इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे इसको। अब इसमें हम एग्स को भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। अब हमारा एग नूडल्स या फिर एक चाउमीन बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।